अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है चिकन निहारी, जिसके लिए 3 पाव चिकन का गोश्त लिया है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2.5 टेबलस्पून निहारी मसाला, 2 टेबलस्पून आटा लिया है गंदम का, इसकी जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लास्ट में पानी में घोल के हम ऐड करेंगे। गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें, लेमन और थोड़ा सा बारीक अदरक लिया है, और 2 दरमियानी प्याज मैंने ली हैं, जिनको मैंने 1 कप घी में फ्राई करने के लिए रखा है। 1 कप घी गर्म कर लिया है, इसमें 2 दरमियानी प्याज गोल्डन फ्राई करेंगे। ये प्याज गोल्डन हो गई है, अब इसमें हम अपनी चिकन डाल देंगे, इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। बाज़ लोग प्याज जो है वो सेपरेट कर देते हैं, ब्राउन होने के बाद क्रश करके डालते हैं। बेशक आप इस तरह करके डालें या बेशक क्रश करके डालें, दोनों तरीके से बन सकती है निहारी। उसके बाद अदरक लहसुन डाल देंगे, उसको अच्छी तरह भूनेंगे। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया दोनों साइड से, अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, उसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। आधा कप पानी इसमें मैं निहारी मसाला डाल के मिक्स करके फिर चिकन में ऐड करूँगी। देखें चिकन का कलर अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम निहारी मसाला डालेंगे, नमक और हल्दी डाल के मिक्स करें। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, क्योंकि मसाले में नमक नहीं होता। थोड़ी सी हल्दी कलर चेंज करने के लिए, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया, अब इसको हम 2 गिलास पानी डाल के 20 मिनट के लिए चिकन गलने के लिए रख देंगे। इस मसाले को चम्मच से ज़रा घोट दें, ताकि ये प्याज अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अभी चिकन सही से गला नहीं है, इसलिए 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, पानी भी खुश्क हो जाएगा। फिर 30 मिनट लगे हैं गोश्त गलने में, और देखें इसका घी अलग हो गया है, मसाला अलग। अब हम इस घी को उतार लेंगे और इसमें शोरबा करेंगे। आधा घी निकाल लिया है, अब इसमें पानी डाल के शोरबा जितना करना है आपने, गाढ़ा जितना रखना है। 1 गिलास पानी डाला है, देखें इतना मैं रखूँगी। अभी आटा डालेंगे तो उससे भी गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। आपने जितना पतला रखना है उतना पतला आप रख लें शोरबा, ठीक है। आटे को मैंने पानी में घोल दिया, अब हल्का हल्का मिक्स करते हैं। 5 मिनट इसको पकाएंगे, देखिएगा आस्ता आस्ता ये शोरबा ठीक हो जाएगा। हमारे हिसाब से देखें शोरबा ठीक है। आपने अगर और गाढ़ा रखना है तो 5 मिनट और पका लें। अब फ्लेम को हम बंद कर रहे हैं और बचा हुआ घी इसमें डाल देंगे। आटा डालने से घी जो होता है वो जब्स कर लेता है, इसीलिए हमने आधा घी उतार लिया था, अब इसमें हम डाल देंगे। गार्निश कर रही हूँ साथ साथ धनिया मिर्चें, लेमन और थोड़ी सी अदरक। ये रेसिपी हमारी तैयार है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।